भाजपा के प्रदेश मुख्य प्रवक्ता रणधीर शर्मा ने कहा कि कांग्रेसी नेताओं को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बोलने का कोई नैतिक हक नहीं है। परिधि गृह बिलासपुर में आयोजित प्रेस वार्ता में रणधीर शर्मा ने कांग्रेसी नेताओं को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि सत्ता मिलने पर जिन लोगों ने कथित भ्रष्टाचार के नए आयाम स्थापित किए हों, उन नेताओं को प्रदेश भाजपा सरकार पर आरोप लगाने से पहले अपनी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा से त्याग पत्र मांगना चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्षा जमानत पर हैं। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री रहते हुए आय से अधिक संपत्ति मामले में जमानत लेनी पड़ी थी। उन्होंने कांग्रेसी नेताओं से कहा कि उस समय उन्होंने क्यों तत्कालीन मुख्यमंत्री से त्याग पत्र क्यों नहीं मांगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेसी नेताओं द्वारा केवल निराधार आरोप लगाकर प्रदेश में केवल भ्रष्टाचार का माहौल तैयार करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन किसी भी कांग्रेसी नेता ने अभी तक कोई प्रमाण नहीं दिया है। उन्होंने कांग्रेसी नेताओं को सलाह देते हुए कहा कि आरोप लगाने से पहले वे अपने गिरेबान में झांके। रणधीर शर्मा ने कहा कि प्रदेश की जयराम ठाकुर की अगुवाई वाली सरकार ने न कभी भ्रष्टाचार से समझौता किया है और न ही आगे करेगी। प्रदेश सरकार के सामने जैसे जैसे मामले सामने आते गए, सरकार ने वैसे वैसे ही इन मामलों पर केस दर्ज करवाकर छानबीन के आदेश दिए। उन्होंने कांग्रेसी नेताओं को नसीहत देते हुए कहा कि पहले वे अपने दामन पर लगे कथित भ्रष्टाचार के आरोपों के दागों को साफ कर लें। उन्होंने कहा कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पर किसी ने कोई आरोप नहीं लगाया, लेकिन उन्होंने प्रदेश में पार्टी का मुखिया होने के नाते नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से त्याग पत्र दे दिया, लेकिन कांग्रेस के नेताओं ने कभी ऐसी हिम्मत नहीं जुटाई, जबकि इनके नेताओं को तो कोर्ट से जमानत तक लेनी पड़ी। इसके बावजूद भी वे कुर्सी से चिपके रहे। उन्होंने कांग्रेसी नेताओं द्वारा लगाए जा रहे आरोपों को सिरे से खारिज किया तथा कहा कि कांग्रेसी नेता निराधार आरोप लगाकर प्रदेश में सनसनी फैलाने से बाज आए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में हुए विकास कार्यों को देखकर कांग्रेसी परेशान हो गए हैं और कोविड-19 जैसी वैश्विक बीमारी के समय प्रदेश सरकार ने जिस प्रकार इससे लोगों को बचाने के इंतजाम किए हैं, उससे वे घबरा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के कांग्रेस पार्टी के नेता वर्तमान हिमाचल सरकार पर लगातार निराधार आरोप लगाकर जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। कहीं किसी नेता ने किसी आरोप को सत्य साबित करने के लिए ना सबूत दिए ना प्रमाण दिए, इसलिए तथ्यहीन बयानबाजी करके गुमराह करना जो उनकी आदत है, उसी को वो अभी प्रेस वार्ताओं के माध्यम से कर रहे हैं। हमारा मानना है कि दूसरों पर आरोप लगाने से पहले कांग्रेस पार्टी के नेताओं को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। ये नेता चाहे कांगड़ा से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हों, चाहे मंडी से, चाहे बिलासपुर से, चाहे शिमला से, सभी कांग्रेसी नेता जब जब इन्हें मौका मिला सत्ता में रहे, इन्होंने खुद भ्रष्टाचार के रिकॉर्ड तोड़े। अखंड भ्रष्टाचार में डूबे हुए नेता आज तथ्यहीन भ्रष्टाचार के आरोप अगर ईमानदार संवेदनशील भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर लगाएंगे तो इन्हें वो शोभा नहीं देता। भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचार से ना समझौता किया है ना करेगी। हमारी सरकार भी भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर कायम है। जो जो मामला उजागर हुआ उसकी जांच करवाई गई और दोषियों पर कार्रवाई की गई। भविष्य में भी ऐसा जारी रहेगा, इस बात का मैं विश्वास दिलाता हूं। परंतु कांग्रेस पार्टी के नेताओं से पूछना चाहता हूं कि जब उनके मुख्यमंत्री आय से अधिक संपत्ति के मामलों में कोर्ट से जमानत ले रहे थे, तो क्या उन्होंने उस मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांगा था? क्या उन्होंने नैतिकता के आधार पर त्याग पत्र दिया था? क्या जो कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा उनके राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी आज भ्रष्टाचार के मामलों में जमानत पर है? अगर कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार के प्रति सचमुच सजग है, लड़ाई लड़ना चाहती है, तो पहले उस राष्ट्रीय अध्यक्ष को हटाए जो भ्रष्टाचार के मामलों में जमानत पर है। उन राष्ट्रीय नेताओं से नैतिकता के आधार पर त्याग पत्र दिलवाए जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, तब दूसरों की तरफ उंगली उठाए। दूसरों की तरफ उंगली उठाते हैं तो तीन उंगलियां अपनी तरफ होती हैं, और कांग्रेसी नेता लगातार भ्रष्टाचार करते रहे हैं, इसलिए उनको भ्रष्टाचार के आरोप लगाना शोभा नहीं देता। भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है और उस पर कायम रहेगी, यह हम विश्वास के साथ कहते हैं।